प्रधानमंत्री संग्रहालय में टाइम मशीन भी है, ये टाइम मशीन क्या है, इसके लिए आपको अंदर जाना होगा और देखना होगा उस इतिहास को जो पूर्व और आगे के बारे में बताता है और निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। टाइम मशीन के अंदर प्रवेश करते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। This was a part of the bilateral nuclear cooperation agreement signed between India and the United States on 8th August 1960. और ये टाइम मशीन ये इस वक्त चल रही है जो वक्त की सुइयों को पीछे लेकर जा रही है, 1963 का इतिहास उसके बारे में जानकारी दी जा रही है जो विजुअल माध्यम से स्क्रीन पर चल रही है। India entered a new phase of defense deterrence during Prime Minister Rajiv Gandhi's tenure. और ये देखिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में पृथ्वी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ये जानकारी दी गई है और ये 25 फरवरी उससे पहले की खबर है, अलग अलग जो टाइम मशीन के जरिए जानकारी। और ये पुरानी ये देखिए ये आपको एक नज़ारा भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा टाइम मशीन के जरिए। और ये पृथ्वी वन मिसाइल जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आसमान में उड़ान भरते हुए, ये पूरा इतिहास यहाँ पर बताया जा रहा है टाइम मशीन के जरिए, ताकि जो देश की नई पीढ़ी है अपने इतिहास के बारे में सीख सके, रूबरू हो सके, जानकारी हासिल कर सके। और ये इतिहास की जानकारी जो पन्नों में सिमटी हुई है उसको विजुलाइज तरीके से इतिहास के चित्रों के माध्यम से अलग अलग समय की घटनाएं उनके बारे में बताते हुए किस तरीके से अलग अलग समय पर जो घटनाएं हुई घटनाक्रम हुआ इस टाइम मशीन में इस जोन में जाने के बाद ये जानकारी यहां पर दी जा रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम मशीन जोन है, ये फिर तस्वीरें बदल गई हैं और ये लगातार बदलेंगी, लगातार नई जानकारी देंगी किस तरीके से इतिहास की घटनाएं रही, भारत के जो इतिहास की घटनाएं हैं उस समय प्रधानमंत्री जो थे उस उनके दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनसे कैसे उन चुनौतियों से उन्होंने निपटा, तमाम घटनाक्रम को इसमें बताया गया है। टाइम मशीन जोन में आकर इतिहास से रूबरू होना और अपने इतिहास के बारे में बारीकी से जानना, ये टाइम मशीन में जानकारी दी गई है और इसके ज़रिए इतिहास को करीब से समझने को विजुलाइज तरीके से यहाँ पर टाइम मशीन में दिखाया गया है जो काफ़ी रोचक है, एक रोमांचकारी अनुभव देती है। तो टाइम मशीन प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक खास विशेषता लिए हुए है जिसके जरिए नई पीढ़ी अपने इतिहास से रूबरू होगी, अपने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया उससे रूबरू होंगी। और ये टाइम मशीन बताएगी आपको कि कैसे उस दौर की चुनौतियां थी और उनको लड़ने के लिए उनसे पार पाने के लिए क्या क्या किया गया, कैसे उन चुनौतियों से पार पाया गया। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।